नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, मुंब्रा में कोरोना मरीजों की संख्या 60 पहुंच गई है। और ऐसे में मुंब्रा में कई अस्पताल कोरोना के डर से जो लोग अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में नहीं लिया जा रहा है और कुछ तो डर से ही अस्पताल खोल ही नहीं रहे है। ऐसे में अन्य बीमारियों के इलाज के लिए पेशेंट्स को दर बदर भटकना पड़ रहा था। और जो कोई हॉस्पिटल इस कोरोना के बीच खुले भी है तो पहले पेशेंट को कोरोना टेस्ट कराने की बात हो रही थी, फिर उनका इलाज होगा। लेकिन इस बीच थाने महानगर पालिका ने हॉस्पिटल पर सख्ती दिखाई है, उन्हें इलाज के लिए कहा गया है। आज मुंब्रा में दो हॉस्पिटल खोले गए हैं, एक अमृतनगर के शबनम अपार्टमेंट में अस्पताल खोला गया है और दूसरा कौसा के प्राइम हॉस्पिटल को खोला गया है। अब इस हॉस्पिटल में कोरोना जैसे संक्रमित बीमारियों को छोड़कर अन्य बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इस दौरान शानू पठान ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, कुछ दिनों से शहर के ज़्यादातर हॉस्पिटल बंद हो गए थे, जिसकी हम लोगों ने TMC कमिश्नर साहब से शिकायत भी किया और साथ ही में सब हॉस्पिटल के जो जिम्मेदार हैं वो डॉक्टरों से बातचीत कंटिन्यू चल रही थी। लेकिन मुंब्रा कोसा ने राहत की बात है कि सभी से डिस्कशन के बाद कल सभी हॉस्पिटल ज़्यादातर MR और प्राइम हॉस्पिटल शुरू किया जा चुका है और पेशेंटों को यहाँ पर एडमिट किया जा रहा है। मैं आपके जरिए मुंब्रा कोसा के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जॉइंटिस, मलेरिया, डिलीवरी के पेशेंटों को दिक्कत हो रही थी, ये हॉस्पिटल बंद होने से आपके लिए ये दो हॉस्पिटल शुरू कर दिए गए हैं। कल से रात से ही शुरू हो गया, आज से उसके एडमिशन शुरू कर दिए गए। मैं खुद इसके लिए जायज़ा लिया और हॉस्पिटलों के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात किया, यहाँ भी किया और प्राइम में भी किया। और बहुत जल्द बिलाल जो हॉस्पिटल है उसको भी हम लोग शुरू करा देंगे, क्योंकि मेरी माननीय एडिशनल कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब से और डॉक्टर मलगांवकर से कंटिन्यू बातचीत चल रही और एडमिशन है उसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। हाल ही में मुंब्रा कोसा के नॉर्मल पेशेंट जो कोविड के नहीं उनको दिक्कत होती थी, इसके बाद अब मुंब्रा कोसा की जो नॉर्मल जॉइंटिस और मलेरिया जैसे पेशेंट है उनको राहत मिलेगी। आप लोग आधी रात को इन हॉस्पिटलों में आके अपना इलाज करा सकते हैं। मुंब्रा कोसा की आवाम को ये अच्छी खबर है और मैं TMC के साथ हॉस्पिटल के सभी जिम्मेदार और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को लब्बैक कहते हुए मुंब्रा कोसा के लिए आगे बढ़ के अपनी भूमिका निभाई। तो आपने सुना किस तरह का भय बना हुआ है कोरोना का मुंब्रा में, जिसके चलते कई अस्पताल को बंद कर दिया गया था। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुँचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।